मध्य प्रदेश के मनावर एसडीएम दिव्या पटेल ने कोरोना महामारी बीमारी को लेकर पत्रकारों की मीटिंग की है। एसडीएम ने मनावर विधानसभा की समस्याओं को लेकर पत्रकारों से सुझाव लिए और जल्द सुलझाने की बात कही। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण बीमारी के चलते लॉकडाउन में आने वाली लोगों की समस्याओं और सुझाव को लेकर मनावर एसडीएम दिव्या पटेल ने पत्रकारों की मीटिंग ली है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से मनावर विधानसभा में लोगों द्वारा लॉकडाउन पालन और लोगों से जुड़ी समस्या जैसे राशन, मेडिसिन और आवश्यक सामग्री को लेकर जानकारी भी ली है। इस अवसर पर लोगों की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जाए, इस बारे में पत्रकारों ने अपने अपने सुझाव भी दिए। वहीं पत्रकारों ने अपने स्तर पर जनता से जुड़े मुद्दों को प्रशासन को अवगत करवाया। मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की रिपोर्ट। ये बैठक रखी थी हमने पत्रकार बंधुओं को, उनकी समस्याओं से हम अवगत हो पाए और हमारे जो कंसर्न है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके सहयोग को लेकर हम अपनी बात मीडिया के बंधुओं तक पहुंचा पाएँ, इस संबंध में बैठक रखी हुई थी। सबसे पहले तो मैं मतलब अपने मनावर के जो सब डिवीज़न के पूरे सब डिवीज़न के वासी है, मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इस पूरी सिचुएशन को बहुत सीरियसली समझते हुए उसका हम जो शब्दशः शासन जो गाइडलाइन जारी कर रहा है उसका हम पालन करें। हमें बंद हमसे यही मात्र अपेक्षा करी गई है कि हम घर पे रहें, तो हम जो है उसको उसका पालन करते हुए अपने घर पे रहें और अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश को कोरोना वायरस जैसे भयानक महामारी से बचाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। हमने जो है मतलब बाइक पे केवल एक सवारी और चार पहिया वाहन पे केवल दो लोगों को अलाउ किया हुआ है। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो लोग अनावश्यक यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे उसके लिए हमने अस्थाई जेल बनाया है, तो उनको हम जेल में ले जाकर रखेंगे, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा धारा 144 लागू है तो हम ऐसे लोगों के विरुद्ध 188 का मुकदमा भी कायम करेंगे। अब मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगी कि चूँकि हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं तो अगर शासन को कोई मदद करना चाहता है तो हमें डायरेक्ट मदद करें, मतलब लोगों के बीच में जाने से अनावश्यक भीड़ उत्पन्न होती है, तो इसलिए शासन को हम डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें और हमको जो है राशन या जो भी उपलब्ध कराना चाहते हैं तो वो हम अपने इस पूरी समस्या से लड़ने में हम सबके सहयोग से सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.